हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रीति। सो गाइस, आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था मुल्तानी मिट्टी का सोप। सो आज मैं बताने वाली हूं आपको नीम का सोप। जो नीम की पत्तियां होती हैं जो इजीली पेड़पन मिल जाती हैं, तो मैं आज उनका सोप बनाने वाली हूं और कुछ आसान तरीक़ों से। चलिए आपको दिखाती हूँ मैं अपना सोप कैसे बनाती हूँ। सो सोप बनाने के लिए मुझको चाहिएगा नीम की पत्तियाँ। ये नीम की पत्तियाँ हैं, मैंने इनको हल्का सा दरदरा पीस लिया है। मैंने इनको पीसने के लिए वही अपना गुलाब जल इसमें ऐड किया था। तो ये नीम की पत्तियाँ पीस गई हैं एंड नीम की पत्तियाँ पीस गई हैं और ये मेरे पास नीम की पत्ती है। मेरे पास है विटामिन ई का कैप्सूल एंड मेरे पास अगेन रोज वाटर है एंड मैं जो वैक्सीन चाहिएगी अपने जो मैं उसको जमाऊंगी अपने जो साबुन है उसको सब कंटेनर में डालूंगी, तो मैं उसको ग्रीस करने के लिए मुझे वैक्सीन की ज़रूरत होगी। एंड मेरे पास है पेयर सोप, तो मैं पेयर सोप से अपना नीम का सोप बनाने वाली हूँ। और आप पेयर सोप से ना बनाना चाहें तो आप एक वो आता है सोप बेस आता है, आप वो भी ले सकते हैं। सो ये ग्लिसरीन का है, ये भी काफ़ी अच्छा है, तो मैं इसकी हेल्प से अपना नीम का साबुन बनाऊंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। इसको बनाने के लिए तो पहले मुझे क्या करना होगा, जो मेरा पेयर सोप है ग्लिसरीन वाला, मुझे इसको ग्रेट करना होगा, तो मैं इसको पहले ग्रेट कर लेती हूँ। सो गाइस, मैंने आप देख सकते हो मैंने ये ग्रेट कर लिया है अपने कद्दूकस की सहायता से। ये मैंने यहाँ से लिया, अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर सकते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा जाता है तो मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। सो चलिए अब मुझे क्या करना है, अब मुझे डबल बॉइलिंग प्रोसेस से इसको मेल्ट करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं इसको कैसे मेल्ट करती हूँ। सो चलिए, सो गाइस आप देख सकते हैं मैंने अपना जो इंडक्शन है उस पर मैंने एक फ्राई पैन रखा हुआ है। मैं इंडक्शन को ऑन कर लेती हूँ। मुझे क्या करना है, जो सिर्फ पानी को बॉयल होने देना है। एंड ये बॉयल जब तक होता है तब तक मुझे क्या करना है, मुझे डबल बॉइलिंग प्रोसेस से मुझे मैं अपना छोटे फ्राई पैन को इसमें डालूंगी। अगर आप कोई बाउल हो तो वो भी ले सकते हैं। तो मैं डबल बॉइलिंग प्रोसेस से अपने जो ये मेरा पेयर सोप है जो मैंने इसका कद्दूकस कर लिया है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये मैं इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ गाइस, क्योंकि ये मेरा जो डबल बॉइलिंग प्रोसेस है, मैं मेरा जो प्लास्टिक का जार है वो उससे कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर इस फ्राई पैन में मैंने अपना सारा जो मेरा पेयर सोप था जो मैंने कद्दूकस किया था वो मैं इसमें डाल लेती हूँ। पानी मेरा थोड़ा भी गुनगुना सा है, थोड़ा सा गर्म और बुझाने देती हूँ एंड मैं इसको इसमें डाल लेती हूँ। अब मुझे क्या करना है, डबल बॉइलिंग प्रोसेस से मुझे इसको मेल्ट करना है एंड मैं थोड़ा इसको इसमें रहने देती हूँ। अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट होता है उससे उसके। और दूसरी जगह हम क्या करते हैं, जो मेरी नीम की पत्तियाँ थी वो मेरी जो पिसी हुई हैं वो मेरे पास हैं एंड इसमें मैं क्या करती हूँ, इसमें जो मेरा रोज़ वाटर था थोड़ा सा मैं अपना रोज़ वाटर ऐड कर लेती हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें रोज़ वाटर ऐड किया है गाइस एंड मैं इसमें ऐड कर रही हूँ विटामिन ई का कैप्सूल। ये सोप में मैं 2 विटामिन ई के कैप्सूल ऐड कर रही हूँ। ये मेरा 1 विटामिन ई का कैप्सूल है एंड ये मेरा दूसरा वाला विटामिन ई का कैप्सूल है। मैंने यहाँ पर 2 विटामिन ई के कैप्सूल ऐड किए हैं। एंड मेरा जो सोप है वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है गाइस, थोड़ा थोड़ा मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। हमें डायरेक्टली इसको गैस पर नहीं रखना है, इंडक्शन पर नहीं रखना है, कॉज ये जो है ये ख़राब हो जाएगा, ये जल जाएगा आपका। आपको डबल बॉइलिंग प्रोसेस के ज़रिए ही इसको मेल्ट करना है। आप देख सकते हैं मेरा ये थोड़ा थोड़ा बैठता जा रहा है, ये मेल्ट हो रहा है। तब तक ये मेल्ट हो रहा है तब तक मैं क्या करती हूँ, मुझे इसको सेट होने देने के लिए मुझे कुछ चाहिएगा कंटेनर वगैरह। तो मेरे पास अभी जो इसका सोप का एक वो आता है इसको जमाने के लिए, वो मैंने अभी मंगाया नहीं है। तो मेरे पास ही मेरे बच्चों की प्लेट है, तो ये प्लास्टिक की है, बहुत इजीली हो जाती है, तो मैं इसमें अपना सोप बनाऊँ
एंड ये मेरे पास है, ये भी अच्छा है, प्लास्टिक टाइट ना हो, वो अच्छी सी हो तो अच्छे से आपका निकल सकता है। तो मैं यहाँ पर पहले इसको ग्रीस कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास है वैसलीन, तो मुझे थोड़ी थोड़ी वैसलीन इन सब में लगानी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैं अपनी वैसलीन इसमें लगा रही हूँ। तो मैं इसको ग्रीस कर लेती हूँ ताकि जो मेरा सोप है वो अच्छे से इसमें से निकल पाए। और गाइस ये बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है, आप यूज़ करेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ ये सच में बहुत काफ़ी अच्छा है। एक बार आप ट्राई ज़रूर करना, और क्योंकि हमें लगता है ये क्या है क्या नहीं है कैसे होगा, बट बनेगा ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट भी देने वाला है। सो गाइस आप देख सकते हैं कि जो मेरा वो काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुका है, एंड आपको दिख ही रहा होगा ये काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुका है। एंड मुझे क्या करना है, ये जल्दी से ये ना क्विकली क्या होता है ये एकदम से जमने भी लगेगा अगर इसको छोड़ देंगे तो। क्विकली हमें क्या करना है, इसमें अच्छे से ट्रांसफ़र करना होगा। तो अब ये मेल्ट हो चुका है लगभग लगभग। तो मेरे जो मैंने जो बनाया है, तुलसी है इसमें, गुलाब जल है, एंड इसमें मैंने विटामिन ई के 2 कैप्सूल्स का जो लिक्विड है वो मैंने ऐड किया है, एंड मैं इसको इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ। और जो ये मेरा काफ़ी अच्छा बनने वाला है गाइस, काफ़ी इफेक्टिव है ये, एंड मैं पहले भी बना चुकी हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसलिए मैं आपके सामने सोचा मैं आपके सामने इसकी जो है बनाने का तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ गाइस। कोई भी चीज़ होती है जो इफेक्टिव होती है, जो लगता है एक्चुअली हाँ ये वर्क कर रहा है, तो गाइस मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर बस फालतू की चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं करती, क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स हो, आप मेरे फ्रेंड्स हो, तो मैं आपके साथ कभी भी गलत आपको सजेशन नहीं दूंगी। सो गाइस आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो लिक्विड है ये काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुका है। ये देखिए आपको दिख रहा है ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। तो मुझे अपना इंडक्शन बंद कर देना है, मैंने ये बंद कर दिया है अपना इंडक्शन, एंड मैं क्या करूँगी झट झट जल्दी जल्दी से मैं इसको इसके ग्रीस जो मैंने किया है कंटेनर मैं इसको इनमें धीरे धीरे ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो जो गर्म है पानी है तो मैं थोड़ा सा इसको पूछ लेती हूँ ताकि ये घर मेरे ना आए। देखिए मैं आप इसमें धीरे धीरे इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ये मैं हटा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। गाइस मुझे जल्दी से इसमें झटपट झटपट कर देना होगा क्योंकि ये बहुत जल्दी मेल्ट भी हो जाएगा। ये देखिए ये मेरा तैयार हो चुका है। अब मुझे क्या करना होगा, इसको ऐसे ही छोड़ देना होगा, एंड ये हल्का सा ठंडा हो जाए तो मैं इसको फ्रिज में लगा दूंगी 10-20 मिनट के लिए, एंड फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये।